संभल में जनवरी महीने में सड़क सुरक्षा के तहत लगातार प्रशासन अपना चाबुक चला रहा है। कोई भी नेता हो, किसान हो या राजनेता हो, उनकी हेकड़ी उतारी जा रही है और गाड़ियों से हुटर उतारे जा रहे हैं। जिले में अब तक प्रशासन ने 10 गाड़ियों के हुटर उतार कर नोटिस थमाते हुए 1,00,000 से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया है। वहीं पुलिस का कहना है कि अगर दोबारा गाड़ियों में हुटर लगे तो इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा माह के रूप में जनवरी माह को मनाया जा रहा है। इसमें विभिन्न प्रकार के अभियान यातायात पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसी के क्रम में संभल में कुछ लोगों के द्वारा जो अनधिकृत हुटर लगाकर अपनी गाड़ी पर चल रहे थे, इन लोगों के विरुद्ध अभियान चलाते हुए पिछले 1 सप्ताह में 10 लोगों के हुटर उतरवाए गए हैं। उनकी गाड़ियों का 10,000 रुपये का चालान कराया गया है और उनको चेतावनी दी गई है, यदि कोई उसको रिपीट करता हुआ पाया गया तो उसकी गाड़ी सीज की जाएगी। इसमें विभिन्न प्रकार के सभी पार्टी संगठनों के लोग हैं। सभी को ये मैं एक बार दोबारा हिदायत देना चाहता हूँ कि अगर कोई बिना परमिशन के हुटर बजाकर चलता है तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, उसकी गाड़ी को सीज किया जाएगा। सड़क को सुरक्षित बनाने में पुलिस का सहयोग करें, धन्यवाद। बीते दिनों संभल ट्रैफिक पुलिस ने बीजेपी मंडल अध्यक्ष की गाड़ी से हुटर उतारा था, साथ ही 10,000 रुपये का चालान भी किया था। उसके बाद पुलिस ने सदर कोतवाली संभल क्षेत्र के मुरादाबाद रोड स्थित बिजली घर के पास खड़ी संभल से सपा विधायक इकबाल महमूद के पुत्र सुहैब इकबाल की गाड़ी पर लगे हुटर को उतारा, 10,000 रुपये का चालान भी ठोक दिया। सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे की गाड़ी से हुटर उतारने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि संभल सदर कोतवाली इलाके में प्रशासन लगातार सड़क सुरक्षा मुहिम चला रहा है, इसके चलते पुलिस की हुटर के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। राजनीतिक दलों के लोगों की गाड़ियों पर लगे हुटर उतरने के साथ 10,000 का चालान किया जा रहा है। किसानों की लग्जरी गाड़ी या राजनेताओं की लग्जरी गाड़ी, यातायात विभाग और पुलिस लगातार इन पर चाबुक चला रही है। संभल पुलिस की यह कार्रवाई वीआईपी कल्चर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी, अब वह बिना होटल वाली गाड़ी से चलेंगे, एक आम आदमी की तरह जनता के बीच पहुंचेंगे। अब देखना ये कि संभल में होटल की होड़ में राजनीतिक हथकंड और किसान नेता बनने की ख्वाहिश कहाँ तक पूरी होती है, या फिर प्रशासन का चाप यूं ही चलता है।